नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। उसके परिवार या उसकी तरफ से नहीं दाखिल की गई जमानत की अर्जी। जज ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने जवाब दिया, नहीं। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ाया पुलिस रिमांड। अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। घबराइए मत, कार्रवाई होगी सख्त। जनता दर्शन कार्यक्रम में अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंगलवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एसपी सिटी व जिलाधिकारी ने कहा, सकुशल संपन्न कराया जाएगा मतगणना। आरडीओ कार्यालय में जीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक होमगार्ड को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनपद में विशेष अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। हर कोटे के दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को किया गया है नामित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, लापरवाही मिली तो उस पर होगी कार्यवाही। ऑपरेशन तमंचा के तहत अवैध असलहों के साथ फोटो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो अवैध देसी तमंचा, दो देसी रिवॉल्वर किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मई को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। मोटर दुर्घटना, पारिवारिक मामलों सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। अंतर जनपदीय दो वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 फाइटर पंच, लूटे गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए गए 5,000 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिला तथा विधवा महिलाओं की देखरेख के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक हुई संपन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। लिया गया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। पिछले रविवार को यानी 3 अप्रैल लगभग 7:30 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पीएसी के जवानों के ऊपर हुए हमले की चर्चा चारों ओर हो रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और महंत भी हैं। इसलिए जब मुर्तजा अब्बासी नाम का यह युवक एक हसिया लेकर सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ता है तो हंगामा मच जाता है। सोशल मीडिया पर भी इन दिनों इस घटना का वीडियो तेजी से और वायरल हो रहा है। इस घटना को अंजाम अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक शख्स ने दिया था। पुलिस इस हमले की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है। इस हमले के बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शुमार आईआईटी मुंबई से पास केमिकल इंजीनियर, जो कि नामचीन कंपनियों में भी काम कर चुका है, उसने ऐसा क्यों किया। इस सवाल पर कुछ दिन पहले ही आरोपी ने अपना मुंह खुद खोला और एक बड़ा बयान उसने पुलिस को दिया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पापा आए थे उस टाइम किराया जा रहे थे उनका काम करके, तो ठीक है। तो पैर से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ? नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने के लिए जरूरत।
दावा है कि मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वह कनाडा से ही आईएसआईएस के गढ़ सीरिया भागने की तैयारी में था, इसलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। लेकिन जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदायिन बनकर हमला करना ही सही समझा। उसने सोचा कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर मरूंगा। उसकी मंशा थी कि वह सुरक्षा जवानों पर हमला करके उनकी बंदूकों को छीन कर मंदिर पर हमला करके सबको मार कर खुद ही मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वहां के पुलिस व पब्लिक के सहयोग से वह पकड़ा गया। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से ही रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में जब एटीएस की टीम ने उसके परिवार व पत्नी से बात की तो कई सारे राज खुलकर सामने आए। परिवार वालों ने यह अपील की है कि उनका बेटा दिमागी रूप से बीमार है, तो इस पर गौर करने की दलील परिवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की है। एटीएस के खुलासे में यह बात सामने आई है कि गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले का आरोपी मुर्तजा खाड़ी देशों में रुपए भेजता था। खुफिया एजेंसी तभी से उस पर नजर रख रही थी। एजेंसियों ने उसकी गहराई से छानबीन के लिए एटीएस को लगाया था। मुर्तजा के परिवार की गिनती रसूखदारों में होती है, उनके पास भी अच्छी खासी रकम थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही उसने 2012 से 15 के बीच नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया पैसा भेजा था। यही नहीं, 2020-21 में भी नेपाली खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए उसने सीरिया भेजा था, जिसके बाद से ही वह खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था। इसी क्रम में जब 2 अप्रैल को एटीएस उसके घर अधिवक्ता के रूप में पहुंचे तो वह नहीं मिला। परिवार के अन्य लोगों से जानकारी लेकर टीम चली गई थी, पर मुर्तजा के चाचा को उसके हाव भाव से शक हो गया था। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह पुलिस वाले थे। डॉक्टर चाचा ने इस बारे में जब मुर्तजा से फोन पर पूछा तो उसके बाद वह घर से भाग गया और अगले दिन घटना को अंजाम दिया। मुर्तजा के खाते में बड़ी रकम रखने के सवाल पर एटीएस को परिवार के लोगों ने बताया कि वह कनाडा जाने की तैयारी में था। कनाडा जाने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा होना जरूरी होता है। कुछ महीने तक पैसा होने के बाद ही वीजा मिलता है, इसलिए उसके खाते में पैसा रखा गया था। अब यहां सवाल यह उठता है कि परिवार वालों के मुताबिक उसकी दिमागी हालत खराब है। अगर उसकी दिमागी हालत खराब थी तो परिवार वालों ने इतने पैसे उसके खाते में क्यों रखा और उसे कनाडा क्यों जाना था? हालांकि एटीएस की जांच अभी पैसों को लेकर जारी है। यूपी एटीएस की टीम झांसी के कारोबारियों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के क्रम में जौनपुर पहुंची। मुर्तजा की पहली पत्नी शादमा से यूपी एटीएस की टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। इस दौरान मुर्तजा के व्यवहार व उसके कारोबारियों के बारे में भी पूछा। इसके बाद एटीएस ने शादमा के पिता मुजफ्फरुल हक से भी पूछताछ की। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि उनका और उनकी बेटी का मुर्तजा से 2019 सितंबर के बाद से ही कोई संबंध नहीं है। मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी के पिता मुजफ्फरुल हक ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2019 में केमिकल इंजीनियर अब्बासी के साथ हुई थी। उस समय उसका व्यवहार ठीक था। बेटी ससुराल गए तो मुर्तजा की माँ और परिवार वाले शादमा को टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद सितंबर 2019 में बेटी वापस मैके आ गई। बेटी ने तलाक ले लिया और फिर फोन से मुर्तजा ने भी तलाक दे दिया। उसके बाद से उनकी बेटी और उनका मुर्तजा और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है। मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी ने बताया कि उसकी फैमिली पूरी तरह से रिलीजियस थी। आतंकी संगठन से जुड़े होने के सवाल पर शादमा ने कहा कि मुर्तजा की मां उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करती थी। शादमा ने बताया कि मुर्तजा उससे बहुत कम बात करता था, हमेशा दूर रहता था। शादमा ने उसका लैपटॉप और मोबाइल कभी नहीं छुआ। वह लैपटॉप और मोबाइल कमरे में नहीं रखता था। घर में मुर्तजा की माँ कभी कभी जाकिर नाइक का वीडियो देखती थी। सादमा ने बताया कि मुर्तजा मुझसे मतलब नहीं रखता था। उसने खुद कहा था कि वह मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार वालों के कहने पर किया है। पढ़ाई के समय से ही दिमाग में भरता गया जहर। मुर्तजा जितना पढ़ाई में तेज था उतना ही कट्टरता भी उसमें भरती गई। मुंबई में रहने के दौरान ही उसकी सोच कट्टर होती गई और दिमाग में जहर भरता गया। वह कट्टरता की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। जब कोई आतंकी मारा जाता तो मुर्तजा को लगता कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। पढ़ाई के दौरान जब उसके सहपाठी आतंकियों के मारे जाने पर खुशी जताते तो मुर्तजा दुखी हो जाता।
वह यह भी सोचता था कि वह केमिकल इंजीनियर की जगह कंप्यूटर इंजीनियर होता तो अपने मकसद को और अच्छे से अंजाम दे सकता था। एक तरफ मुर्तजा कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया, वही परिवार के लोग उसे बीमार समझते रहे। घर वालों के मुताबिक वह अक्सर जान देने की बात करता था, आत्महत्या की प्रवृत्ति का इलाज कराते रहे, लेकिन घरवाले जान देने के पीछे जो मकसद छुपा था उसे समझ नहीं पाए। यही वजह है कि जिस बेटे से उम्मीदें पाल रखी थी वह जिहादी बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। गोरखनाथ मठ पर तैनात पीएससी के जवानों पर चाकू से हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी का करियर काफी अच्छा था। वह दो नामी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर पेट्रोकेमिकल्स में काम कर चुका था। अब्बासी के पिता मोहम्मद मुनीर कई फाइनेंस कंपनियों के सलाहकार रह चुके हैं, जबकि उनके चाचा गोरखपुर के नामी डॉक्टर हैं। अब्बास के पिता का कहना है कि मेरा बेटे ने जो भी किया वह सही नहीं है, सरकार को उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने उसके पास से फ्लाइट टिकट, बैंक एटीएम कार्ड, एक मैकबुक और कई उर्दू ग्रंथ बरामद किए हैं। इसी क्रम में गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने सोमवार को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में पेश करने के बाद 22 मिनट तक उसकी पेशी चली। पेशी के दौरान जज ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब उसने नहीं में जवाब दिया। बाकी पूरे पेशी के दौरान वह शांत रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। मुर्तजा का यह स्वभाव देखकर एटीएस अफसर भी दंग रह गए, क्योंकि एजेंसी के पूछताछ के दौरान वो जिस तरह से मंदिर पर हमले की बात कही थी, मुसलमानों से जुड़ी तकलीफों का जिक्र किया था, जन्नत की बात की थी, शायद वह जानता था कि पुलिस या किसी एजेंसी के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं जब तक उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया जाए। अभी तक उसके परिवार की तरफ से उसकी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर का कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं है। वही 22 मिनट की पेशी के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभात त्रिपाठी ने कोर्ट में मुर्तजा की रिमांड 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुर्तजा एटीएस की पूछताछ में जितना सनकी नजर आ रहा था, कोर्ट में पेश होने से ही वह सीधा बन गया। वह जज के सामने कुछ नहीं बोला। वही सूत्र के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक अब तक एटीएस की पूछताछ में सामने आया था कि उसको चाय दिया गया तो उसने लस्सी पीने की बात कही, तथा पूछताछ के दौरान वह कहता था कि वह काफी थक गया है, अब उसके आराम करने का समय है। आपको बता दें कि यह जिंदगी है आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी की, उसी अब्बासी की जिसने रविवार शाम 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। घटना के एक वीडियो में आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर पीछे से हमला करता देखा गया है। उस समय वह अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब्बासी अब हिरासत में है, उसके बीते जीवन के हर पल को खंगाला जा रहा है। जांच अधिकारी इसे आतंकी वारदात करार दे रहे हैं। इससे उलट मुर्तजा के पिता उसे बचपन से दिमागी रूप से बीमार बता रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीवानी न्यायालय के वकीलों ने कहा, आप बढ़िए आगे रिमांड के लिए।
कड़ियों को जोड़ कर कहीं उन किरदारों तक न पहुंचाए जो किरदार इसके पीछे अंदर ले गए अंदर ले गए कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही हूँ। और एक मंशा क्या थी, विजय सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत। ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद अभी हमें रिमांड मिलेगा, ऐसा जाएगा और लगातार इस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं मुझे साथ के मीडिया अपने रिमांड पर लेकर नेटवर्क पे कौन कौन से लोग हैं किस तरह से दूसरा जैसे वकील का किसी तरह छोड़ दिए नहीं अनिल कुमार पासवान। कभी क्या बात है, कुछ पता चला आप लोगों को? रिमांड मांगा गया है सरकारी वकील के द्वारा, 15 दिन का रिमांड मांगा गया। आप देखिए आदेश सुरक्षित रखे हुए मजिस्ट्रेट साहब। क्या कोर्ट का अभी कोर्ट का मानना है कि अभी अगर मतलब सरकारी वकील साहब के तरफ से दलील ये दी गई है कि अभी कुछ जांच बाकी है, इससे और खुलासे हो सकते हैं, तो अपनी दलील दी गई है, अभी मजिस्ट्रेट साहब ने सुरक्षित रखा हुआ आदेश। देखा जाए तो हमारे बड़ी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं, NIA तक इन्वॉल्व हैं। जी जी, इसको लेकर क्या माना जा रहा है? संदिग्ध तो माना जा रहा है, कोर्ट को रिमांड देना चाहिए। राजन कुमार सिंह। देखिए जुडिशियरी तो यही थी उनकी, तो अब आगे क्या निर्णय होता है कोर्ट का, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। देखा जाए तमाम बड़ी एजेंसियां भी जुड़ गई हैं जांच में, संदिग्ध माना जा रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय है? अब तो देखिए कोर्ट के द्वारा अब क्या होता है तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। ये भी बताया जा रहा 16 तक की रिमांड के लिए। जी जी, ATS ने अप्लाई किया था। जी जी, क्या लग रहा है, पढ़ाई जाएगी? हाँ। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ प्रस्थान करने के पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में 170 की संख्या में महिला पुरुष फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अपराध व जमीन विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए फरियादियों को आश्वस्त किया, घबराइए मत, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की पत्रियां उसके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहें और कार्यवाही के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते रहें। सोमवार को जनता दर्शन में राजस्व एवं पुलिस संबंधित काफी शिकायतें आई थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए, जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ से बाहर आए तो शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर पूजन किया। उसके बाद अखंड ज्योति के दर्शन कर ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया।
उसके बाद गौशाला में पहुंचकर तकरीबन 20 मिनट तक गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ को गौशाला में देख स्वतः स्फूर्त भाव से बछड़ों ने उन्हें घेर लिया। सीएम योगी ने दुलारते हुए उन्हें गुड़ और चना खिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण करते हुए साधना भवन पहुंचे तो उन्होंने कालू और गुल्लू पर भी अपना प्यार लुटाया। कालू और गुल्लू भी उनसे मिलकर प्रसन्न थे। सीएम योगी ने स्नेहिल भाव से दोनों को पुचकारा। रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गणेश चौराहे के पास सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर हाल पता मोहल्ला PWD बंगला नंबर 11B सिविल लाइन थाना कैंट जनपद गोरखपुर। दूसरा अशोक उपाध्याय पुत्र कैलाश उपाध्याय निवासी ग्राम पोस्ट अड्डिला थाना मईल जनपद देवरिया हाल पता मोहल्ला PWD बंगला नंबर 11B सिविल लाइन थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय गोरखपुर में भ्रष्टाचार के संबंध में जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान व जनता द्वारा मिल रही लगातार शिकायतों के क्रम में रजिस्ट्री कार्यालय गोरखपुर में चल रहे स्टाम्प बिक्री संबंधित फर्जीवाड़ा के संबंध में थाना कैंट जनपद गोरखपुर पर जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जांच व स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर तहसीलदार सदर गोरखपुर द्वारा दिनांक 10 अप्रैल को दो अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, हेड कांस्टेबल अमित सिंह, धीरज सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह, महिला कांस्टेबल शैलेंद्र शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, तू कहां गए? बीमारपुर गए ना? ये कौन काम किया भाई? सरकारी अंदर सेटिंग होगा तभी ना काम करा। कहां गए हैं क्या? उनको रहने दीजिए सर, लेते हैं। हां उनको भी ले लो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर
नहीं वो साफ वाले भी वो एक ही तरह के मामले में ठीक है भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान जो है ये उपाय सही है शहर तो जान ही नहीं पाएगा कौन थे वो पहले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया गया उसमें ये पता चला है कि ये दो व्यक्ति हैं जिनके नाम है विजय मिश्रा और अशोक उपाध्याय ये लोग जो हैं स्टाम्प पेपर से संबंधित फर्जीवाड़ा करते थे और पैसे को लेकर के जो अगर कुछ कमियां पहले तो कमियां बताते थे और कुछ कमियां पाई जाती थी पैसे लेकर उनको नज़रअंदाज कर देते थे इस क्रम में जो है मुकदमा अपराध संख्या 216/22 धारा 419-20 467-68-71 384-120-20 409 जो पंजीकृत किया गया था 7/13/8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इसके अंदर पंजीकृत किया गया था इसी क्रम में इनको आज गिरफ्तार किया जा रहा है और गणेश चौराहे के पास से 11:15 पर दिनांक आज दिनांक 11/4/22 गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है ये प्राइवेट है प्राइवेट कर्मचारी देखिए इसमें कई इसकी पूरी जांच चल रही है कई मुकदमे हैं इसमें और अभी एक और खुलासा इसमें किया जाएगा थोड़े समय में इसमें तो दो ही हैं विजय मिश्रा हैं और अशोक उपाध्याय हैं इसका आपराधिक इतिहास इनका भी खंगाला जा रहा है और जैसे आपको हमें पता चलेगा आपको सूचित किया जाएगा सर किस तरह से ये हुआ जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग स्टाम्प पेपर वगैरह में कमियां निकालते थे और अगर कमियां नहीं भी होती थी तो भी उनसे पैसे लेते थे और पैसे लेने के बाद कमियों को नज़रअंदाज भी कर देते थे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है और जिलाधिकारी महोदय का जो अभियान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई देखिए पूरे मामले की सभी एंगल से जांच चल रही है और आपराधिक इतिहास भी निकाल रहे हैं तो जो भी इसमें पाया जाएगा संलिप्त पाया जाएगा सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हुई जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है काउंटिंग हॉल काउंटिंग एजेंसी की व्यवस्था प्रेक्षक के सहयोग से पूरी व्यवस्था कर दी गई है वीडियोग्राफी पैरामिलिट्री तथा सभी प्रकार की व्यवस्था पूरी कर ली गई है मंगलवार को सुचारू रूप से काउंटिंग की प्रक्रिया आयोग के निर्देश पर पूर्ण किया जाएगा वहीं एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल पर 6 टेबल लगाए गए हैं एजेंट प्रत्याशी और इलेक्शन एजेंट की व्यवस्था बनाई गई है गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है और बिना पास के कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर नहीं जाने दिया जाएगा इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा निरीक्षण किया गया था अभी एडीएम एफआर सीओ कैट में हम सब ने निरीक्षण किया है और हम लोग रात्रि में दिन में जो ड्यूटियां लगी हैं उसमें सीओ जो है श्याम बहादुर वो भी चेकिंग करते रहते हैं इसमें कल के लिए हमने व्यवस्था बनाई है क्योंकि इसमें महाराजगंज और गोरखपुर दोनों के लगभग 33 बूथ हैं जिनका कवर होगा इसके लिए 6 टेबल हैं एक आरओ टेबल लगाया गया है और प्रति पॉलिटिकल पार्टी 8 एजेंट्स को अलाउ किया जाएगा इसमें काउंटिंग पर्सनल जो हैं और उसके अतिरिक्त एजेंट प्रत्याशी और इलेक्शन एजेंट इन सब के लिए व्यवस्था बनाई गई है और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है कचहरी के पास में जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग कराई जाएगी और बिना पास से कोई भी अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा और पार्किंग के अतिरिक्त बाकी जो ड्यूटियाँ हैं उसमें एसएसबी की फोर्स भी लगी है जिले से भी हम लोग इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन आइसोलेशन कॉर्डन की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं इस संबंध में आज 5 बजे कप्तान साहब द्वारा ब्रीफिंग भी की जाएगी और इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा और कल काउंटिंग को शक्शन निपटाया जाएगा हमारा पहले से उसमें सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है काउंटिंग हॉल काउंटिंग एजेंट्स के लिए व्यवस्था हमारे काउंटिंग पर्सनल के लिए प्रशिक्षण किया गया है आज तीसरा प्रशिक्षण पूर्ण हो रहा है और प्रेक्षक महोदय के साथ समन्वय से पूरी व्यवस्था कर दी गई है वीडियोग्राफी की व्यवस्था सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हर तरह की व्यवस्था हम लोगों ने पूर्ण कर दी गई है और कल सुचारू रूप से काउंटिंग की प्रक्रिया माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में पूर्ण किया जाएगा
शाहपुर पुलिस ने आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को किराए के कमरा बगहा बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अर्जुन प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राजदेव निवासी बेली खुर्द पोस्ट मुकारिमपुर थाना बेलघाट गोरखपुर, हाल पता किराए का कमरा बगहा बाबा मंदिर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि वीरेंद्र कुमार गुप्ता तहसीलदार सदर गोरखपुर की रिपोर्ट की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर चरगावा स्थित कार्यालय के संबंध में डीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में गोपनीय तरीके से स्टिंग ऑपरेशन व गोपनीय तथ्यों के जांच पड़ताल के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि वाहन रजिस्ट्रेशन डीएल बनवाने व अन्य प्रपत्रों के सत्यापन के कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करते हुए घूस लेकर के ही पटल द्वारा साज के कार्यों को संपादित किया जा रहा है तथा डीएल लर्निंग से लेकर मुख्य डीएल बनाने तक की प्रक्रिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व परीक्षण व डीएल बनाने के संबंध में डीएल बनाने से जुड़े लोग बिना घूस प्राप्त के शासकीय कार्य नहीं कर रहे हैं और शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क अन्य माध्यमों से प्राप्त कर रहे हैं। सीधे तौर से स्वयं पैसा ना लेकर विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके कार्यालय के आसपास स्थित विभिन्न प्राइवेट दुकानों में से एक दो दुकानों से दुर्भी संधि करते हुए आपराधिक षड्यंत्र करके विभिन्न पटलों द्वारा कार्य करते हुए अन्य माध्यमों से घूस प्राप्त किया जा रहा है, जिससे आम जनता के लोगों का कार्य बिना पैसे के नहीं हो रहा है, जिससे शासकीय कर्मी होमगार्ड कैफे इस समस्त लोगों के आपसी दुर्भिसंधि व आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह प्रक्रिया संपादित करते हुए व्यापक स्तर पर शासकीय धन का गबन भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में शाहपुर स्थानीय थाने में दुकान व होमगार्ड के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया और होमगार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल नरुद्दीन खान, कांस्टेबल राहुल सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के अपराध रोकथाम की जो अभियान चल रहा है, उसी क्रम में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एक जांच चल रही थी, जिसमें जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं उनके यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, इन सबको बनाने को लेकर के जो भ्रष्टाचार की होती है और जो लोगों को समस्या आती है, उस संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें होमगार्ड हैं ये अर्जुन प्रसाद, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय राजदेव, ग्राम बेली खुर्द पोस्ट मुकारिमपुर थाना बेलघाट के रहने वाले हैं और इनका जो हाल पता है वो बगहा बाबा मंदिर थाना रामगढ़ताल के पास से है, किराए का मकान। यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है 13:10 बजे आज दिनांक 11/4/2021 को और इनका जो मुकदमा अपराध संख्या 155/22 धारा 419-20, 467, 468, 471, 120-409 और 60/13, 8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। उसके परिवार या उसकी तरफ से नहीं दाखिल की गई जमानत की अर्जी। जज ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने जवाब दिया, नहीं। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ाया पुलिस रिमांड। अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। घबराइए मत, कार्रवाई होगी सख्त। जनता दर्शन कार्यक्रम में अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा।
मंगलवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एसपी सिटी व जिलाधिकारी ने कहा सकुशल संपन्न कराया जाएगा मतगणना। आरडीओ कार्यालय में जीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक होमगार्ड को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनपद में विशेष अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। हर कोटे के दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को किया गया है नामित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा लापरवाही मिली तो उस पर होगी कार्यवाही। ऑपरेशन तमंचा के तहत अवैध असलहों के साथ फोटो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो अवैध देसी तमंचा, दो देसी रिवाल्वर किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। मई को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। मोटर दुर्घटना, पारिवारिक मामलों सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। अंतर जनपदीय दो वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 8 मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक फाइटर पंच, लूटे गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए गए 5,000 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिला तथा विधवा महिलाओं की देखरेख के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा, लिया गया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में आयुष्मान कार्ड से लोगों को मिले लाभ पर कहा कि जनपद में 5.5 लाख से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ है। उसमें करीब 65 करोड़ की क्लेम की धनराशि की पूर्ति भी की गई है और 65,000 से ज्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान चलाकर यह कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए हर कोटे के दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को नामित किया गया है। यदि किसी की लापरवाही मिली तो उस पर कार्रवाई होगी। अभियान को रफ्तार देने के लिए हर गांव में लेखपाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभी SDM इनका पालन करेंगे और लाभार्थियों को अधिक से अधिक कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप अवगत हैं कि हमारे जनपद में 5.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राप्त हुआ है और उसमें करीब 65 करोड़ की क्लेम्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी की गई है। काफ़ी लोगों को 65,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। ये इसमें 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए निःशुल्क 5 लाख तक की सीमा तक 100 से ज़्यादा अस्पतालों में जो हमारे यहाँ एम्पैनल्ड हैं वहाँ इलाज हो सकता है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें और प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए आयुष्मान कार्ड के पंजीकरण के लिए हमने रोस्टर बनाया है। जब इस महीने 3 बार राशन वितरण की कार्रवाई चलेगी। हर एक कोटे में जब भी राशन वितरण होगा वहाँ पे शिविर लगेगा। वहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेनर हमारा जो जनसुविधा केंद्र के हमारे लड़के हैं वहाँ बैठेंगे। हमारा लेखपाल पर्यवेक्षण करेगा। हमारा ग्राम स्तरीय ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तरीय कर्मचारी अधिकारीगण उसका पर्यवेक्षण करेंगे। सबके सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि सभी पात्र लाभार्थीगण जिनके भी अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं वो कृपया इन शिविरों में प्रतिभाग करें, अपना कार्ड बनवा लें और इस योजना का लाभ लें। सर, दिन भी निर्धारित किया गया है किस दिन? हाँ, जिस दिन वितरण होना है उस रोस्टर तय कर दिया गया है और उस दिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने में हम कामयाब हो सकें। खोराबार पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा के तहत फोटो वायरल करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को पुलिस टीम खोराबार मुखबिर की सूचना पर कोनी तिराहा के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई तो पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जमुना निषाद पुत्र स्वर्गीय पुनवासी निषाद निवासी छितौना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो पकड़े गए व्यक्ति के दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक का झोला जिसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था बरामद हुआ। प्लास्टिक के झोले की रस्सी को सावधानीपूर्वक खोलकर देखा गया तो 2 देसी रिवॉल्वर व 1 देसी तमंचा बरामद हुआ। वहीं 11:30 बजे खोराबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिस व्यक्ति का फोटो अवैध असलहे के साथ वायरल हुआ है वह व्यक्ति अवैध असलहे के साथ मिर्जापुर बंधे पर मुक्ति स्थल के पास खड़ा है। तब सूचना पर खोराबार पुलिस टीम के साथ उस व्यक्ति को तलाश करते हुए मुक्ति स्थल मिर्जापुर पहुंची, जो कि मुक्ति स्थल के पास खड़ा था तथा व्यक्ति पुलिस वालों को अचानक देखकर हड़बड़ाकर भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा एक बार की दबिश देकर मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसके पास से 1 अदद अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ है, जिसकी पहचान सूरज निषाद पुत्र राम केवल निषाद निवासी छितौना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SPCT ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव, पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल पिंटू प्रसाद, अजीत यादव, अभय यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, तो एक व्यक्ति का फोटो वायरल हुआ था
उसी क्रम में जो है पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी। इसी क्रम में आज पकड़े गए हैं एक तो जमुना निषाद है, पुत्र स्वर्गीय पूर्णवासी निषाद निवासी छितौना थाना खोराबा, ये हिस्ट्री शीटर भी हैं, 58 वर्ष की आयु है। इनको गिरफ्तार किया गया है कोनी तिराहा से के पास से गिरफ्तार किया गया 5:30 बजे। इनके पास से 2 अदद अवैध देसी रिवॉल्वर 32 बोर और 1 अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इन पे पहले भी लगभग 12 मुकदमे हैं। मुखबिर की सूचना पे 11:30 बजे के आसपास जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम है सूरज निषाद, पुत्र राम केवल निषाद निवासी छितौना थाना खोराबाद। इसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा 12 बोर का गिरफ्तार किया गया है। इन सबको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि आपके जो जमुना निषाद हैं ये हिस्ट्री शीटर भी हैं और इन पर लगभग 12 मुकदमे हैं, और जो दूसरा अभियुक्त है सूरज निषाद उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जैसे पता चलेगा आपको बताया जाएगा। दीवानी न्यायालय परिसर में 14 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 14 मई को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा साथ ही जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा इस लोक अदालत में विशिष्ट आपराधिक सामनीय वाद, लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों सहित अन्य मामलों का पूरा समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन मामलों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 14/5/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक सम्मनीयवाद, धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों, किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोषवाद व अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यातायात संबंधी चालानों को वेबसाइट के माध्यम से जिसका लिंक है vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं। कैन पुलिस ने 2 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सुनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को अर्बिट कार एजेंसी चौकी बेतिहाता से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान परमजीत यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी देवापार मिडरी थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा चंदन गौर पुत्र भगवान दास निवासी कोहड़ी बुजुर्ग थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 1 लोहे का फाइटर पंच, लूट का 5,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि 10 अप्रैल को 11:30 बजे रात्रि में भ्रमण के दौरान थाना कैंट पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह, मोबाइल लूट गिरोह से संबंधित अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही से 8 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद देसी तमंचा बरामद हुआ, जो कि 15 मार्च की रात्रि में करीब 11:30 बजे अपाची मोटरसाइकिल से 3 लड़कों द्वारा राजाई अस्पताल छात्र संघ चौराहे के पास से मोबाइल खींचकर भाग गए थे।
जिसके संबंध में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मोबाइल की बिक्री से प्राप्त हिस्सा 5,000 रुपए बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर दो पहिया वाहनों की चोरी करते हैं तथा उन्हें संकर नेत्रालय के पास झाड़ी में छिपा कर रख देते हैं तथा ग्राहकों की तलाश करके उनको बेच देते हैं एवं इन्हीं चोरी के वाहनों का नंबर प्लेट बदलकर हम लोग रास्ते पर मोबाइल से बात करने वाले लोगों से मौका देखकर झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लेते हैं तथा उसे राह चलते व्यक्तियों को बेच देते हैं। बेचे गए मोटरसाइकिलों व मोबाइल से मिले हुए रुपयों को आपस में बांट लेते हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से उनके पास से बरामद फाइटर पंच व तमंचा के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हम लोग इसको अपने सुरक्षा के लिए रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर डराने धमकाने में प्रयोग करते हैं। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, शंभू प्रसाद शाहनी, अभिनव मिश्रा, अरविंद कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये गैंग का खुलासा किया गया, ये वाहन चोरों का गैंग, और इसके अतिरिक्त ये लोग मोबाइल भी छिनैती की घटनाएं भी करते थे। इस क्रम में जो है दो लोग हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, परमजीत यादव है और चंद्र गौड़। ये दिनांक 10/4/22 को 23:50 बजे रात्रि में भ्रमण के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई और इनके पास से 8 मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा 12 बोर का है, 1 लोहे का फाइटर पंच बरामद किया गया है। इसके इनके पास से 1 अदद अपाचे मोटरसाइकिल, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 सफ़ेद रंग की बिना नंबर प्लेट के अपाचे मोटरसाइकिल है, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 अदद होंडा सीवी ट्विस्टर मोटरसाइकिल, 1 अदद बिना नंबर प्लेट की डिस्कवर मोटरसाइकिल, 1 अदद बिना नंबर प्लेट की प्लेटिना मोटरसाइकिल, 1 अदद सफ़ेद रंग की एक्टिवा स्कूटी, ये सब बरामद की गई है। और इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके पूछताछ के क्रम में ये पता चला है कि इनका एक गैंग है पूरा, इसमें से 2 लोग और फरार हैं अभी। उनके बारे में जो है पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, सर्वेलेंस टीम, फॉरेंसिक टीम, सब लोग इसमें लगे पड़े हैं। और जैसे ही सब इनका पता चलता है इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, इसमें घटना एक हुई थी आपकी 15/3 को हुई थी, 11:30 पे। इसमें एक अपाची मोटरसाइकिल से 3 लड़कों द्वारा राज आई अस्पताल के पास से मोबाइल छीन कर भाग गए थे। एक तो वो घटना थी, इसमें मुकदमा प्रासंख्या 171/22 धारा 392 पंजीकृत किया गया था। और इसके अतिरिक्त एक और घटना थी जो 1/3/2022 को थाना उरवा बाजार में मोटरसाइकिल चोरी की हुई थी। वो इसमें से जो एक अभियुक्त है उसके घर के पास की ही चोरी थी, वो उसका भी खुलासा हुआ है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और परमजीत यादव इनके पहले कोई कार्रवाई नहीं है, पर बाकी जो 2 हैं इसमें उनका आपराधिक इतिहास रहा है और वो लोग जेल से छूटे थे, तो उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके संबंध में जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने बताया कि जनपद में लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिलाएं तथा विधवा महिलाएं देखरेख के लिए सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थाओं में व्यवस्था बेहतर किया जाए और जो भी महिलाओं को रखा जाता है उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा के उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। किन किन सुविधाओं की कमी है सही करके स्थानीय स्तर से निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा,
बिल्डिंग सही निर्माण में कहीं दीवार गिर रहती है, शौचालय गंदा रहता है, कहीं बैठने खाने की व्यवस्था सही रहती है, छोटे मोटे समस्याएं आर ओ फिल्टर सभी इशूज लोग रहते हैं उसमें, उनके लिए कोई समस्याएं ना आए। तो ये हमें काम अगले 15-20-30 दिन में कराना है, उसकी हमने सूची बना ली है। आपसे अभी डीपीओ साहब ही बताएंगे अगले 5 मिनट तक, तो आप बताइएगा कि इसमें कोई आपको एडिशन या डिलीशन करना है, कोई बढ़ाना घटाना है तो आप बता सकते हैं। काम लॉजिकल टाइप होने चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसा कोई काम बता दें जो कि एक महीने दो महीने संभव ना हो। जो लॉन्ग टर्म काम है वो आप अलग से लिख के दे सकते हैं, हम लोग उस पर भी अलग से विचार करेंगे, ठीक है। इसमें सर दो तीन संस्थाओं में कुछ है सर जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें सर राजकीय महिला समारोह यहाँ पर थोड़ा तो सर ठीक चल रहा है। एक अच्छा कुछ आपने बता रही थी कि कुछ ऐड करना है इसमें। जी सर, हाँ दो बातें हैं मैं ऐड करना चाहती हूँ। पहला कि जैसे यदि हमें हो भी जाता चाहे कि वो हॉस्पिटल में टेस्ट अवेलेबल है तो हम वहाँ कर सकते तो उसके लिए हमें ये हम लोग करा देंगे ठीक। और दूसरा ये कि जो हमारे जो ओपन नाला है इससे मच्छर बहुत ठीक है, दोनों नोट हो गया और इसके अलावा बस ये ठीक। अगला बाकी लिखा हुआ है ये बैठक जनपद में जो हमारी संस्थाएं संचालित हैं विभिन्न तरह के, जैसे हमारे बच्चे जो लावारिस साथ में मिलते हैं या फिर जो महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं हैं या मानसिक विक्षिप्त महिलाएं हैं, मंदित महिलाएं हैं, इन महिलाओं की देखरेख के जो लोग होम संचालित होते हैं उन सभी होम के प्रभारी और अधीक्षकों की बैठक थी। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन क्रम में हम लोगों का प्रयास है कि इन संस्थाओं में व्यवस्थाएं बेहतर किया जाए और इनको जो भी महिलाएं रहती हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए, इसी के संबंध में बैठक संस्थाओं की बुलाई गई थी जिस पे हम लोग सर के निर्देशन में गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएँ की अभी भी कमी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्थानीय स्तर से उसको निदान करने का प्रयास किया जाएगा। सोमवार को अलीनगर स्थित दुर्गा मंदिर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर नगर निगम के पूर्व उपसभापति व दिलेजागपुर के पार्षद जितेंद्र सैनी की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने रथ को आगे बढ़ाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले एक भारतीय समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिला व दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के यह प्रबल समर्थक थे तथा इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। वहीं नगर निगम के पूर्व उपसभापति व पार्षद जितेंद्र सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की याद में हर साल यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, धूमधाम से उनकी जयंती को हम लोग मनाते हैं। शोभा यात्रा अलीनगर से निकलकर बख्शीपुर, घंटाघर, मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, जाफरा बाजार होते हुए गंगेश पर आकर समाप्त होगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महापौर सीताराम जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य राहुल श्रीवास्तव, अनिल सैनी, राजेंद्र सैनी, राजेश सैनी, दुर्गेश सैनी, पंकज सैनी, विजय सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के पूर्व उपसभापति व दिलेजागपुर के पार्षद जितेंद्र सैनी एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। Yeah.
जितेंद्र सैनी पार्षद लिजाकपुर और नगर निगम के पूर्व सभापति। ये महान समाज सुधारक अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले महाराज जी जो पिछड़े अनुसूचित वर्ग के लिए बड़ी उनका शोषण था इस समाज में, आगे बढ़ने देते उच्च लोग, उस समय इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी फूल का व्यवसाय करते थे, महाराज जी उसमें पूना के राजा गायकवाड़ के फूल का काम देते थे और इनके बच्चे वहीं पढ़े लिखे बड़े हुए और उनके महात्मा ज्योतिबा फुले जब जन्म लिए थे बड़े शुरू से मेघावी थे, जब बाल्यकाल से इनका बहुत ही तेज बुद्धि थी, इन्होंने चिंतन किया ये तो देख रहे हैं समाज का बड़ा शोषण बड़े लोग कर रहे हैं, इन्होंने उनके पहला नेता महाराष्ट्र में देश में पहला मजदूरों के नेता बने, उन्होंने कमेटी गठन किया और उसके स्वयं अध्यक्ष होके इन्होंने उस जो जिनका शोषण होता समाज में नौकरी करते थे लोग उनका इन्होंने समाज सुधार किए, उनका पेट तैयार किए और इनके आंदोलन के लिए लड़े बड़े लोगों से ताकि इनका शोषण न हो। और अपनी पढ़ी लिखी अनपढ़ी महिला सावित्री फुले को अपने पति को इन्होंने पढ़ा के लिखा के उसको शिक्षित किए और पहला महिला विद्यालय देश में खोलने का गौरव सावित्री फुले को प्राप्त है। और उसी समय से महिलाओं के प्रति इनके जो विधवा महिलाएं थी उनके उत्थान के बारे में, उनकी शादी नहीं होती थी बड़ा विरोध होता था, मतलब महिलाओं के पिछड़ों के अनुसूचित के ये समझिए कि पहले अग्रदूत थे समाज सुधारक व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी जी ने अपने डिक्शनरी में लिखा है कि महात्मा शब्द जो मुझे मिला है वो नाम मुझे मिलना चाहिए, ये महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय किए, ये बहुत ही उस समय के जनक थे। ये जो रैली निकाली है किससे? उन्हीं की याद में हम लोग निकालते हैं, हमारे समाज से जुटे हैं उनके याद में हर साल 300-350 साल से हम लोग 11 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं। रास्ते यहाँ से अलीनगर घंटाघर बख्शी घंटाघर बदरसा चौरा जाफरा बाजार लाल डिग्गी होते हुए जाफरा बाजार से होते हुए गंगेज होते हुए हम लोग सिपला रन में सब भोज में सफान हुए और भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में वो खत्म रात को। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रसिद्ध समाज सेवी तथा अपने समय में भी जो अशिक्षित थे बच्चों के ये शिक्षा का एक अथक प्रयास किया और पूरे समाज में उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया। आज पूरा भारत आदर के साथ उनको देखता है, स्वयं शिक्षित होकर के सबको शिक्षा देना, देश के लिए कार्य करना या सबको सीख देना 19वीं सदी का यह सबसे महत्वपूर्ण काम रहा वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था और उनकी धर्मपत्नी ने भी उनके साथ में बातें किया। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश, उसके परिवार या उसकी तरफ से नहीं दाखिल की गई जमानत की अर्जी, जज ने पूछा तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, तब आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने जवाब दिया नहीं। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ाया पुलिस रिमांड, अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। घबराइए मत, कार्रवाई होगी सख्त, जनता दर्शन कार्यक्रम में अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंगलवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, एसपी सिटी व जिलाधिकारी ने कहा सकुशल संपन्न कराया जाएगा मतगणना। 8DO कार्यालय में जीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक होमगार्ड को किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनपद में विशेष अभियान चलाकर बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, हर कोटे की दुकान पर ग्राम स्तरीय उद्यमी को किया गया है नामित, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा लापरवाही मिली तो उस पर होगी कार्यवाही। ऑपरेशन तमंचा के तहत अवैध असलहों के साथ फोटो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो अवैध देसी तमंचा, दो देसी रिवाल्वर किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा।
14 मई को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। मोटर दुर्घटना, पारिवारिक मामलों सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। अंतर जनपदीय दो वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 8 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 फाइटर पंच, लूटे गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए गए 5,000 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लावारिस बच्चे, मानसिक रोग से ग्रसित महिला तथा विधवा महिलाओं की देखरेख के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सभी शेल्टर होम के प्रभारी की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा, लिया गया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।